तो गाइस लास्ट वाले वीडियो में जो है मैंने आपको धामपुस विलेज दिखाया था पोखरा का, एंड इस वाले वीडियो में हम लोग और भी बहुत इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ एंड बहुत सारी अमेजिंग पोखरा वाली जो जगह है वो देखने वाले हैं। पोखरा के बाद हम लोग हेड करने वाले हैं काठमांडू, एंड काठमांडू में हमारा लास्ट 2 डेज़ का स्टे है, जहाँ पर हम लोग बौद्धनाथ स्तूपा और बूढ़ा नीलकंठ विजिट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब गाइस धामपुस से सारंगकोट का जो डिस्टेंस है वो है 57 मिनट्स यानी कि 21 किलोमीटर्स का, और ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। चलो पहले खाना खा के लेते हैं। खाना खाने गए इधर ही। इधर है क्या? एक बार देखेंगे। हाँ चलो। रेस्टोरेंट है ना? गाइस यहाँ पे है रेस्टोरेंट, यह है बंजांग विलेज रेस्टोरेंट। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये एक मस्ट विजिट है, बंजांग विलेज, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस रेस्टोरेंट का जो फील है वो आपको थोड़ा बहुत स्कॉटिश स्टाइल में लगेगा। वाह, लुक एट दिस रेस्टोरेंट। सो गाइस ये जो रेस्टोरेंट है वो आपको एक ओवरऑल स्कॉटिश विलेज वाला फील देने वाला है, एंड प्लस यू हैव गॉट अ गुड व्यू फ्रॉम हियर। अंदर से भी ये रेस्टोरेंट पूरा वुडन में बनाया गया है, खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जितने भी ऑप्शंस है बहुत अच्छा खाना यहाँ पे सर्व किया जाता है। आई लव द रेस्टोरेंट, आई लव द फील, आई लव द फूड। यहाँ का थर्स्टी कैमल जो मॉकटेल है वो ट्राई करना भूलना मत। हम लोगों ने लिया था एक चिकन फ्राइड राइस, एक वेज फ्राइड राइस एंड चाउमीन, वेज चाउमीन। एंड ये साइड भी आपको काफ़ी सारा जगह मिल जाएगा बैठने के लिए। मैं भी बनाता हूं। बनाते हो? तो चलो सब्सक्राइबर्स ले लो मेरे पास से भी। तो गाइस हम लोगों ने अभी केबल कार के टिकट्स निकाल लिए हैं, 2 टिकट्स है। मम्मी जा रही है वापस नीचे कार से, क्योंकि मम्मी को है वर्टिगो। तो गाइस यहाँ से जाती है केबल कार नीचे पोखरा की तरफ। सारंगकोट से पोखरा आने के लिए 1-वे टिकट जो है वो आपको पड़ेगा 500 NPR का, एंड दिस इज अ केबल कार। थैंक यू। Yes. This keeps on moving. So yes. तो गाइस केबल कार का आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आपने इससे पहले केबल कार ट्राई नहीं किया है तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगा कि आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी आपको दिखेगी, एंड आप बहुत फास्ट 15 मिनट्स के अंदर पोखरा पहुंच जाओगे। गाड़ी से अगर आप आओगे तो घाट के थ्रू आपको लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स। आज मी तुला माझ्या तर्फे बबल टी पासतो। नाही नाही नाही, अरे चल ना, जेवढा पाहिजे तेवढा माग बबल टी पासतो। चल चल। हाउज द आईस्क्रीम? इट्स नाइस, नॉट बॅड। हे स्टेशन है अन्नपूर्णा केबल कार स्टेशन। नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर भी वहाँ पे जेस कैफे करके है, रेस्ट रूम है यहाँ पे, यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे टिकट काउंटर है, एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस हियर टू रोम अराउंड। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा झूला बनाया हुआ है। बहुत टेस्टी है। सो हम लोग आ गए हैं वापस नॉर्थ फेस इन दामोदर जी के पास से चाय पीने के लिए। गाइस पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, और ये भाई साहब इस ठंडे पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। जब भी आप बाहर कंट्री में जाते हो घूमने के लिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उनका जो क्यूजिन है आप वो ट्राई कर सकते हो। आप एकदम हार्डकोर क्यूजिन पे मत जाओ कि वो लोग जो खाते हैं वही आपको खाना है, बट देन एटलीस्ट उनका जो फ्लेवर ऑफ टेस्ट है वो आपके फूड में आप लेके अगर आ गए तो एटलीस्ट आपको समझ जाएगा कि इनका कल्चर क्या है और किस तरीके से ये फूड बनाते हैं। तो पोखरा में अगर आप हो तो एक दिन का आपका जो डिनर है हंगरी आई में आपको ट्राई करना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, और यहाँ पे ट्रेडिशनल डांसेस भी होते हैं, एंड बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे जो मेनू कार्ड है उसमें आप देख सकते हो प्राइसिंग भी बहुत नॉमिनल है, एंड अफोर्डेबल रेस्टोरेंट है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा खाना यहाँ पे। एंड इसी चीज़ के साथ हमारा जो पोखरा वाला सफ़र है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कल सुबह हम लोग वापस निकलने वाले हैं काठमांडू के लिए, एंड और भी बहुत मज़ेदार चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। एंड इसी के साथ हम लोग पोखरा को अलविदा कहते हैं। सोम गुरुंग के साथ हमारा जो सफ़र था वो हमें हमेशा याद रहेगा। चलिए चलते हैं काठमांडू वापस।
एंड काठमांडू वापस आने के बाद हम लोग ओएसिस होटल में ठहरे हैं। ओएसिस का हमको जो रेंट पड़ा है पर डे दैट इज 10,000 फॉर टू रूम्स। गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग है। ओके गुड आफ्टरनून। तो अभी बजे है 3। हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मम्मी होटल पे थोड़ा रेस्ट कर रही है एंड हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं। एक दो मार्केट्स घूमने वाले हैं। गाइस अगर आप नेपाल आ रहे हैं और आपको किसी के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं तो ये बहुत ही क्यूट से स्टोर से आपको दिखेंगे। ये देखिए कितने क्यूट सामान है यहाँ पे जो कि आप गिफ्ट एज ए गिफ्ट दे सकते हो। यहाँ पे कुछ शूज भी है। ये देखिए हैट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसका नाम क्या है? मिथिला वुमेन हैंडीक्राफ्ट। ओके ये कहाँ पे एग्जैक्टली? ये थमिल में है। थमिल में स्ट्रीट नंबर कुछ रहेगा आपका? नहीं जेपी स्ट्रीट है। जेपी स्ट्रीट ना, ठीक है। एक बैग और एक जैकेट खरीदा हुआ है लोटस गैलरी से। देखिए इनके पास काफी अच्छे जैकेट्स हैं। मैंने ग्रे वाला खरीदा है एंड इनके पास बैग्स भी काफी अच्छे हैं। काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, काफी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। टू मच ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर टू सर्च फॉर। बैग्स भी बहुत अच्छे हैं, ट्रैवल बैग्स। और भैया ने अभी हमें जस्ट बैग और ये दिया। सुभाष नाम है भैया का। ये देखिए ये वाला बैग है जिसको आप हैंड बैग की तरह भी यूज कर सकते हो और एक बैक पैक की तरह भी यूज कर सकते हो। तो भैया ये वाला बैग कितने को पड़ा अपने को? 1800 का ये वाला बैग पड़ा है। और जो जैकेट है वो मैंने ऑफर में 1500 में लिया हुआ है। तो जैकेट मेरा जो है इसी स्टाइल में है बट ग्रे कलर में है। तो आप यहाँ पे लोटस गैलरी में विजिट कर सकते हो। जब भी आप नेपाल आओगे, थामेल आओगे तो डेफिनेटली दिस इज द मस्ट विजिट स्टोर फॉर यू। बैग वाले भैया इन्होंने हमें बोला था कि इनके पास चाय मिलेगा तो अभी तो मिल गया है। चाय मिल गई है एंड लेट्स सी। कैसा था चाय अभी? तो चाय के बारे में पूछना बहुत, बट मार्केट में जो डे था वो बहुत अमेजिंग था। बहुत सारे अमेजिंग फोटोज हम लोगों ने निकाले। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर एट काठमांडू नाउ एंड आज हम लोगों का जो होटल स्टे है वो है ओएसिस में। और अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। नमस्ते। सो ही इज फ्रॉम अलास्का एंड वी हैड अ चैट अबाउट हिज जर्नी। आई यूज्ड टू बी अ माउंटेन क्लाइंबर, नाउ आई एम जस्ट एन ओल्ड मैन कमिंग बैक। But still you are a very interesting personality. I really loved meeting you. जो होटल है देखिए ये है ओएसिस होटल और ये काफ़ी अच्छा होटल है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वाला एक साइड है, ये वाला एक साइड है, तो हम लोग ये साइड में ही रह रहे हैं अभी। तो काफ़ी क्लीन है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। द ब्रेकफास्ट वॉज एक्सेलेंट, द फूड ओवर हियर इज एक्सेलेंट। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो एंड यू वॉन्ट अ बजट होटल, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लुक एट दिस, ये वाला जैकेट मैंने ले लिया है। इट्स प्रिटी वॉर्म, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये। और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो काफ़ी जगह पे इन जैकेट्स के अलग अलग प्राइसिंग है। अब ऑब्वियसली ये ओरिजिनल नॉर्थ फेस का तो नहीं है बट या उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी ठंडी रुक रही है तो दैट इज़ व्हाट यू वांट। बिकॉज हर जगह पे जैकेट्स का टाइप सेम है, जैकेट का क्वालिटी सेम है बट प्राइजेज आर डिफरेंट। जैसे कुछ जगहों पर आपको ये 3,000 NPR में मिलेगा, कुछ जगहों पर आपके 5,000 NPR में मिलेगा, कुछ जगहों पर आपको ये 1000 NPR में या 1300 NPR में मिलेगा। मैंने खरीदा है 1300 NPR में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 800-850 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड डील फॉर दिस जैकेट। किया रियो, काफ़ी कंफर्टेबल कार है एंड इनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। अब आज का जो फुल डे का चार्ज जो हमें लगा है दैट इज़ 4500 NPR, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3100 या 3200 INR। लोकल आदमी कैसे रास्ता खो सकता है भाई, बट एनीवेज चलिए नो प्रॉब्लम। हम लोगों ने उसको बोला एक स्पॉट दे दे, गार्डन ऑफ ड्रीम्स, वहाँ पे आ जाइए तो वो वहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए फाइनली आ गए भाई साहब। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा नीलकंठ के टेंपल में। अब बूढ़ा नीलकंठ का जो टेंपल है उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। तो ये जो टेंपल है यहाँ पे विष्णु की जो मूर्ति है वो रिक्लाइनिंग स्टेट में है जो कि पानी में है। अब इसके कुछ सीक्रेट्स है, कुछ मिस्ट्रीज है इसके जो अभी तक अनसॉल्वड है। अब अनसॉल्वड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या फिर जो लोग हैं वो विद द डिवोशन यहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च नहीं करने देते हैं, तो इसीलिए शायद ये कम्प्लीटली अनडिस्कवर्ड है। अब इसका मैं आपको बता दूँ बूढ़ा नीलकंठ का जो मूर्ति है वो किस तरीके से डिस्कवर हुआ था। एक बार एक फार्मर था जो कि अपने फार्म में प्लो कर रहा था और उसी टाइम पे प्लोइंग के टाइम पे ही उसे अचानक से एक हार्ड सरफेस मिला। जब हार्ड सरफेस उन्होंने और खोदने के बाद उनको समझा कि यहाँ पे एक मूर्ति है और जो पानी निकला वो पूरा खून से भरा हुआ निकला, यानी कि मूर्ति को ठेस पहुँची थी ऐसा कहना है।
अब वो मूर्ति तब से इस मंदिर में रखी गई है, ये नंबर वन स्टोरी। नंबर टू स्टोरी है कि विष्णुगुप्त के टाइम पे इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी विष्णु की, और इसे लाया गया है यहाँ पे 7th century में, और ये मूर्ति तब से यहाँ पे। ये ऐसे दो स्टोरीज है इसके। अभी बोलते हैं कि ये जो मूर्ति है ये पानी में फ्लोट होती है। अभी इसका कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं है, बट द थिंग इज दैट जब एक बार क्लीनिंग के दौरान इस मूर्ति से एक टुकड़ा बाहर निकला था तो उसमें सिलिका जो है वो बहुत ज़्यादा पाया गया था, सिलिका मिनरल। तो हो सकता है कि ये मूर्ति एक्चुअल में फ्लोटिंग हो, तो वी डोंट नो येट। वहाँ पे शूटिंग अलाउड है या नहीं है पता नहीं है, मैं जितना हो सके उतना दिखाने का ट्राई करूँगा। बट अगर इनके शूटिंग अलाउड नहीं है तो डेफिनेटली मैं कुछ इंटरनेट से फोटोज़ लेके इसमें आपको रेफरेंस दे दूँगा, ताकि आपको समझे कि आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलने वाला है। गाइस यहाँ से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है, तो हम लोगों को अभी थोड़ा बहुत चलना ही पड़ेगा। ये है एंट्रेंस बूढ़ा नीलकंठ का। और एक चीज़ इस मूर्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि इस मूर्ति का जो रिफ्लेक्शन है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन पानी में डायरेक्टली पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सेम मूर्ति नीचे भी उसी तरीके से मिरर की गई है। अभी हम लोगों को एग्जैक्टली मूर्ति देखने के बाद ही समझेगा क्या है सीन। तो यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है बूढ़ा नीलकंठ की, लुक एट दिस, ये सारी लाइन है अंदर जाने के लिए। तो इस बूढ़ा नीलकंठ थोड़ा जल्दी जाना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 hours लगा मंदिर के अंदर पहुँचने के लिए। तो बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल के अंदर का जो फील है, दैट इज़ एक्सट्रीमली पीसफुल, एक्सट्रीमली सीरीन। यहाँ पे जो लोग हैं सारे, वो जिस तरीके से इस चीज़ को मानते हैं, इट्स जस्ट फैबुलस टू लुक एट। एंड यहाँ पे मंकीज बहुत सारे हैं, आप इनके लिए खाना ज़रूर लेके जाना। मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाया, लेकिन एक छोटी सी झलक इस मूर्ति की आपके लिए। तो गाइस बूढ़ा नीलकंठ के बाद हम लोग निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है बौद्धनाथ स्तूपा। चलो एक प्यारा सा पावर नैप हो गया 10 minutes का। जब पावर नैप आप लेते हो ना, तो आप वापस तैयार हो जाते हो पूरे दिन के लिए। तो गाइस हम लोग फाइनली बौद्धनाथ स्तूपा पहुंच गए हैं, और यहाँ पे एंटर करने का जो फीस है वो है 100 NPR पर पर्सन, तो हम लोगों को लगा 300 NPR फॉर 3 people। देखिए गाइस एनवायरमेंटल एरिया कैसा है इसका, काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। स्मृति, व्हाट डू यू थिंक? जगह बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, पता नहीं हम जहाँ पर भी जाते हैं यहाँ पर जो भी स्तूपा या मंदिर है वो जगह इतनी ज्यादा पीसफुल लगती है कि आपको बाकी किसी जगह पर देखने का मन ही नहीं करता। सो कलरफुल एंड सो लाइवली, द प्लेस इटसेल्फ लुक्स वेरी लाइवली। सो गाइज़ ये जो बौद्धनाथ स्तूपा वाला एरिया है, ये बहुत ही पीसफुल है, आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शांत एरिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स देखने मिलेंगे, काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स है अंदर। अगर आप बौद्धनाथ स्तूपा के जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ का स्कोप है, एंड रील्स का भी बहुत सारा स्कोप है। ये बहुत ह्यूज है स्तूपा, यहाँ पे जो बर्ड्स है उनका जो आवाज़ है, दैट इज़ सीरीन। अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस बौद्धनाथ स्तूपा। आप यहाँ पे बर्ड्स को खाना खिला सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया, बर्ड्स को खाना खिलाना एक अच्छी चीज़ होती है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये कर सकते हो। सो दिस एक्सपीरियंस वॉज एक्सट्रीमली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे बौद्धनाथ स्तूपा। और ये एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। एंड देयर वी गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन, विच इज़ पशुपतिनाथ टेम्पल। अगर पशुपतिनाथ टेम्पल का वीडियो आपको देखना है तो मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। फिर हम लोग ने विज़िट किया एक पार्वती टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था बाहर से भी, और वो टेम्पल अंदर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ पे एक ब्रिज है जहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोज़ का, अगर आप बाहर से इस टेम्पल को देखोगे तो ये बहुत ही कलरफुल टेम्पल है, बहुत सारे साइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, अंदर से तो टेम्पल लाजवाब है। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए पशुपतिनाथ टेम्पल के गेट के एग्जैक्टली सामने एक कैलाश कुटी इन करके एक रेस्टोरेंट है, जो कि एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। एंड ये देखिए ये वाला है कैलाश कुटी इन, पालक पनीर, उसके बाद भिंडी। सो गाइज अगर आप यहाँ पे आते हो ओएसिस में, सो दिस इज द गाय टू कॉन्टैक्ट, अर्जुन। अर्जुन विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद अ लॉट ऑफ स्टफ, एंड नाइस मीटिंग यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। सो गाइज इस ओएसिस होटल का जो बेस्ट चीज़ मुझे लगा वो है इनका स्टाफ, दे आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली, एंड स्टाफ का जो बिहेवियर है विद एवरी वन एक्सट्रीमली फ्रेंडली। तो गाइज अगर आप यहाँ पे आओगे तो यू नीड टू फाइंड उज्ज्वल, बहुत ही अच्छा बंदा है, थैंक यू सो मच उज्ज्वल, बहुत सही लगा मिलके। यस डेफिनेटली, थैंक यू,
चलो बाय बाय, आ जाएंगे वापस। तो गाइज इसी के साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं हमारा नेपाल का सफर। आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि आपको ये 10 एपिसोड्स वाला नेपाल वाला सीरीज़ कैसा लगा है। और बहुत भी अमेजिंग जगहों पे हम लोग जाने वाले हैं, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। अंटिल देन सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।